गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर, चैप्टर नंबर फिफ्थ, ए फेयरवेल, पेज नंबर 30 है बच्चों। कल हमने इस चैप्टर की जो है, सॉरी पोयम है ये आपकी, इसकी हमने कल हिंदी की थी। राइटर कौन था? चार्ल्स किंग्सले। ओके, कल हम इसकी जो है जो अर्थ था वो हम समझ चुके हैं इसका। नेक्स्ट हमें स्टार्ट करना था इसकी एक्टिविटीज। लेट मी स्टार्ट देयर एक्टिविटीज। एक्टिविटी ए, फर्स्ट चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फर्स्ट जो है आपका द पोएट एड्रेसेस, जो पोएट है किसको संबोधित कर रहा है, इसमें कवि है जो किसको संबोधित कर रहा है, हिज सन इन दिस पोयम, हिज डॉटर इन दिस पोयम, ए चाइल्ड इन दिस पोयम, नन ऑफ दीज, किसको एड्रेस कर रहा है। पोयम रीड की थी ना आपने, किसको कर रहा है, हिज डॉटर इन दिस पोयम, इस पोयम के अंदर जो कवि है आपको किसको एड्रेस कर रहा है, हिज डॉटर। क्लियर, टिक मार्क किस पे करोगे, हिज डॉटर, यहाँ पे टिक मार्क कर दीजिए, बॉक्स दिया हुआ है आपका, यहाँ पे टिक मार्क कीजिए। नेक्स्ट आपका आता है सेकेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स इज डिस्क्राइब इन दिस पोयम, कौन सी जो बर्ड है उसको इसमें डिस्क्राइब किया गया है, कौन सी बर्ड है, लार्क, कौन सी है, लार्क, टिक मार्क कीजिए लार्क पे। ब्लैक बर्ड भी नहीं थी और पिपिट भी नहीं थी और नन ऑफ दीज भी नहीं है, कौन सी है, लार्क, टिक मार्क किस पे करोगे, लार्क पे। नेक्स्ट आपकी आती है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे बच्चों। लैंग्वेज स्किल नीचे थर्ड पे। क्लियर, पुट टिक द करेक्ट स्पेलिंग एंड क्रॉस द रॉन्ग स्पेलिंग। इसमें क्या करना है आपको, जो करेक्ट स्पेलिंग है उस पर टिक मार्क करना है और जो रॉन्ग स्पेलिंग है उसको क्या करना है, क्रॉस लगाना है। साथ में जो आपकी बुक्स हैं उनको फिल करते हुए जाइए आप। फर्स्ट जो है आपका रीजन, आर डबल ई एस एन, ऐसा तो कोई वर्ड नहीं होता ना इंग्लिश में, कौन सा है सही, रीजन, आर ई ए एस ओ एन, तो टिक मार्क किस पे करोगे, रीजन पे। नेक्स्ट आपका आता है रनिंग, और रनिंग, रन, रन में प्लस आई एन जी रख गया, डबल एन हो जाता है बच्चों इसका, आर यू डबल एन आई एन जी, रनिंग, तो कौन सी सही है स्पेलिंग, रनिंग, ये वाली नीचे वाली जो है ये रॉन्ग है, इसको क्रॉस कर दीजिए। नेक्स्ट आपका आता है सिटिंग, एस आई टी आई एन जी, ये नहीं होता ना, डबल टी आई एन जी हो जाता है बच्चों, टिक मार्क किस पे करोगे, एस आई डबल टी आई एन जी पे टिक मार्क कीजिए। नेक्स्ट आपका आता है एडमिशन, एडमिशन, तो कौन सा होता है, प्रवेश, दाखिला जिसको हम बोलते हैं, एडमिशन होता है, ए डी एम आई डबल एस आई ओ एन, एडमिशन, एडमिशन पे टिक मार्क कीजिए, एडमिशन जो है वो रॉन्ग है। क्लियर, नेक्स्ट आपका लर्न, एल ई आर एन, लर्न, लर्न पे क्रॉस कीजिए, लर्न जो है एल ई आर एन, एल ई ए, यहाँ पे क्या मिसिंग है, ए मिसिंग है ना, और नीचे वाले में ए है, एल ई ए आर एन, तो टिक मार्क किस पे करोगे, लर्न पे। नेक्स्ट आपका आता है कमिंग,
कमिंग पे क्रॉस क्रॉस कीजिए, डबल एम नहीं आएगा इसमें, सी ओ एम आई एन जी कमिंग। कमिंग पे टिक मार्क कीजिए। साथ में बच्चों अपनी बुक जो है वो फिल करते हुए जाइए। चेंज योर पेस। चूज वन वर्ड लिस्ट फ्रॉम ए एंड वर्ड फ्रॉम लिस्ट बी, मेक अ न्यू वर्ड। आपको क्या करना है, कॉलम ए और बी आपको सामने शो किए गए हैं यहाँ पे, और आपको इनको मैच करके क्या करना है, न्यू वर्ड का, न्यू वर्ड क्या करना है, जनरेट करना है। क्लियर। फर्स्ट जो है आपका कॉलम ए में बटर, क्लास, ग्रांड, ब्लैक, वॉच, इंक, मून, टी, लैंड। कॉलम बी में पोर्ट, मदर, फ्लाई, मैट, लाइट, लाउड, मैन, बोर्ड, स्पून। फर्स्ट जो है आपका बटर, बटर के साथ में फ्लाई लगा दोगे तो क्या बनेगा, बटरफ्लाई। नेक्स्ट आपका है क्लास, क्लास के साथ में आपके साथ में कौन पढ़ते हैं, क्लासमेट्स पढ़ते हैं ना, तो इसको जनरेट कीजिए, क्लासमेट्स। ग्रांड के साथ मदर, ग्रांड मदर। ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड से पढ़ाई करते हो ना, ब्लैक बोर्ड। वॉचमैन, गार्ड होता है ना, वॉचमैन। इंक पोर्ट, यहाँ पे फिल की करते हुए जाइए। मून लाइट, मून क्या देता है हमें, लाइट देता है ना, मून लाइट। टी स्पून। लैंडलॉर्ड। ओके स्टूडेंट्स, हमने जो है आज एक्टिविटी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ थ्री एक्टिविटीज़ जो है फिल की है, और ये तीनों एक्टिविटीज़ आपको अपने होमवर्क नोटबुक में करनी है, राइट, नीट एंड क्लीन। क्लियर एंड लर्न देम। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।